मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का सबसे पावरफुल कैरेक्टर थॉर, द ओडिन सन, जिसे लोग बिजली के देवता के नाम से भी जानते हैं। हालांकि मार्वल यूनिवर्स में दिखाई गई ज्यादातर कैरेक्टर्स फिक्शनल हैं, लेकिन थॉर मार्वल के वो कैरेक्टर में से एक है जिसकी इंस्पिरेशन राइटर ने यूरोप के नॉर्स माइथोलॉजी से ली है। नॉर्स माइथोलॉजी के फॉलोअर यूरोप के उन हिस्सों में रहते थे जिसे आज मॉडर्न डे में आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल जैसी जगहों से जाना जाता है। तो क्या था एक्चुअली में नॉर्स माइथोलॉजी का ओरिजिन, और मूवी में दिखाया गया थॉर का कैरेक्टर नॉर्स माइथोलॉजी के थॉर से कितना मिलता था, सब कुछ डिटेल में जानने के लिए पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नॉर्स माइथोलॉजी के हिसाब से ये यूनिवर्स एक बहुत बड़ा पेड़ है जिसे याग्ड्रासिल के नाम से जाना जाता है, और ये वही पेड़ है जो नॉर्स माइथोलॉजी में मौजूद जितने भी लिविंग बीइंग है सबको जिंदगी देता है। और इस याग्ड्रासिल पेड़ की रूट में तीन दुनियाएं हैं जिसे यूटनहाइम, निफलहाइम और हेलहाइम के नाम से जाना जाता है, जिसमें से यूटनहाइम में फ्रॉस्ट जायंट रहते हैं। जिसके बाद आता है निफलहाइम जो कि बहुत ही ठंडा इलाका है और यहाँ पर ड्रैगन जायंट्स रहते हैं, और फिर आता है हेलहाइम। नॉर्स माइथोलॉजी में हेल या नर्क को हेलहाइम के नाम से बुलाया जाता है और यहाँ सिर्फ बुरे लोगों को डाला जाता है। जिसके बाद इस पेड़ में थोड़ा और ऊपर बढ़ते हैं तो वहाँ एक और दुनिया है निडाविलर, जिसमें बौने रहते हैं, और ये बौने एक्चुअली में पेशे से एक लोहार है जो कुछ भी बना सकते हैं। ये वही बौने हैं जिन्होंने थॉर का हैमर, म्योलनीर और स्टॉर्म बस्टर बनाया था। जिसके बाद अगली दुनिया है इस माइथोलॉजी के हिसाब से वेनहाइम, जहां पर भी देवता रहते हैं, और ये जगह काफी हरी भरी है और इस जगह खेती करी जाती है। और इसके बाद आता है मिडगार्ड, जहां इंसान यानी हम आप रहते हैं, और इस नॉर्स माइथोलॉजी के हिसाब से मिडगार्ड को एक्चुअली में ओडिन ने, जो कि थॉर के फादर हैं, उन्होंने बनाया था, वो भी तब जब इस यूनिवर्स की रचना हुई थी। जिसके बाद इसके ऊपर आता है एल्फहाइम, जहाँ पर एल्फ रहते हैं। एल्फ बेसिकली मैजिकल क्रीचर्स होते हैं जिनको अक्सर आपने कई मूवीज में देखा होगा। इन एल्फ के कान पॉइंटेड होते हैं और ये काफी खूबसूरत क्रिएचर होते हैं, इसी वजह से दूसरे देवता भी इन्हें काफी पसंद करते हैं। एल्फहाइम के बाद आता है म्यूस्टलहाइम, जहाँ पर आग के जायंट्स रहते हैं, और ये वही जगह है जहाँ पर सर्टर रहता है। अगर आपको मूवी में याद हो जहाँ पर थॉर सर्टर से मिलता है, थॉर रैग्नारोक मूवी में, वो जगह एक्चुअली में म्यूस्टलहाइम ही थी। और नॉर्स माइथोलॉजी के हिसाब से भी पूरे संसार का एंड भी सर्टर की स्वॉर्ड से ही होगा, और इसी नॉर्स माइथोलॉजी में प्रलय या कयामत को रैग्नारोक ही बुलाया जाता है। इसी वजह से थॉर मूवी का नाम रैग्नारोक पड़ा था। जिसके बाद इस पेड़ पर सबसे ऊपर है एस्गार्ड, जिसमें इस माइथोलॉजी के सारे एसिर देवता यानी थॉर और ओडिन रहते हैं। अच्छा, इस एस्गार्ड की एक चीज और काफी अनोखी है। जैसे इस नॉर्स माइथोलॉजी की बाकी सारी दुनिया गोल है, पर एस्गार्ड एक्चुअली में फ्लैट एस्ट्रॉइड की तरह मास है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मूवी में ये दिखाया गया कि थॉर एक्चुअली में ओडिन और फ्रीगा का बेटा होता है, पर नॉर्स माइथोलॉजी के हिसाब से ऐसा नहीं था, बल्कि नॉर्स माइथोलॉजी में थॉर एक्चुअली में ओडिन और योर्ड का बेटा था। योर्ड एक्चुअली में कोई और नहीं थी, बल्कि इस माइथोलॉजी में मदर अर्थ को ही योर्ड के नाम से बुलाया गया है, यानी थॉर एक्चुअली में ओडिन और मदर अर्थ का ही बेटा था। और काफी लोगों का ये मानना है कि फ्रीगा ने सिर्फ थॉर को पाल कर ही बड़ा किया था। जैसा कि आप सभी लोग ये जानते हैं कि थॉर के पास एक्चुअली में म्योलनीर नाम का एक हैमर था। हालांकि मूवी में ये दिखाया गया कि ये हैमर एक्चुअली में ओडिन ने थॉर को दिया था, पर नॉर्स माइथोलॉजी में ये हैमर थॉर को लोकी की वजह से मिला था। जी हाँ, थॉर को हैमर मिलने के पीछे ये कहानी थी कि लोकी, जो कि लोगों को परेशान करने के लिए मशहूर है, उसने थॉर की वाइफ सिफ के बाल शेव कर दिए थे, वो भी जब वो सो रही थी। जिसके बाद थॉर ने गुस्से में आकर लोकी को ये बोला कि वो उसकी वाइफ के लिए नए बाल लाके दे, नहीं तो वो उसकी बॉडी की एक एक हड्डियां तोड़ देगा। जिसके बाद लोकी निडाविलर जाकर ब्रोक और सिंड्री नाम के बौने के बीच एक कॉम्पिटिशन रखता है कि कौन ज्यादा अच्छे गिफ्ट एसिर देवताओं के लिए बना सकता है। जिसके बाद ये बौने मिलकर न सिर्फ थॉर की वाइफ के लिए सोने के बाल बनाते हैं, बल्कि हर एक एसिर देवता के लिए एक एक गिफ्ट तैयार करते हैं, जिसमें से थॉर का हैमर म्योलनीर भी शामिल था। हालांकि थॉर का हैमर म्योलनीर जैसा कि मूवी में दिखाया गया वैसा ही नॉर्स माइथोलॉजी में भी था,
और म्योलनिर खुद ब खुद थॉर के पास वापस आ जाता था। लेकिन उन बौनों ने इस हैमर के साथ साथ थॉर के लिए दो और चीजें बनाई थी, एक आयरन ग्लव यान ग्रिप जो कि म्योलनिर को हैंडल करने के मदद करता था, और एक मेगिन यॉर्ड नाम की बेल्ट जो थॉर की पावर को ही डबल कर देती थी। लेकिन एक और चीज थी कि मूवी में दिखाया गया है कि थॉर म्योलनिर का इस्तेमाल करके उड़ता था, पर वहीं नॉर्स माइथोलॉजी में थॉर के पास एक्चुअली में एक चैरियट या बग्गी थी जिसका इस्तेमाल करके वो उड़ता था, जो कि दो शीप की मदद से चलती थी। अब जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मूवी में ये दिखाया गया कि ओडिन की एक बेटी भी होती है हेला, जो कि हेलहाइम में रूल करती है, पर अगर आप वही नॉर्स माइथोलॉजी की बात करें तो उसके हिसाब से हेला एक्चुअली में लोकी और एक जायंट आग्राबोडा की बेटी थी, ना कि ओडिन की। और नॉर्स माइथोलॉजी के हिसाब से हेला थॉर और लोकी दोनों से ही कई गुना पावरफुल थी। एक और बहुत ही बड़ा चेंजेस मार्वल ने अपनी मूवी में किया है, वो है थॉर और लोकी का रिलेशनशिप। एमसीयू में ये दिखाया गया कि लोकी एक्चुअली में थॉर का भाई था जिसे अडॉप्ट किया गया था, लेकिन आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि नॉर्स माइथोलॉजी में लोकी एक्चुअली में थॉर का अंकल था, यानी ओडिन का स्टेप ब्रदर। नॉर्स माइथोलॉजी में जिस तरह पूरे यूनिवर्स के क्रिएशन का जिक्र पूरी डिटेल में है, उसी तरह पूरे यूनिवर्स का एंड या उसका खात्मा भी इस नॉर्स माइथोलॉजी में रैग्नारोक के नाम से मशहूर है। इसी रैग्नारोक इवेंट से इंस्पायर होकर थॉर रैग्नारोक मूवी बनाई गई थी, पर एक्चुअली मूवी में ये दिखाया गया था कि किस तरह लोकी थॉर की मदद करता है इस रैग्नारोक इवेंट में। लेकिन नॉर्स माइथोलॉजी में हमारा ये मिसचीफ का देवता लोकी थॉर के ही अगेंस्ट जाकर दूसरे देवता से मिल जाता है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि मूवी में सर्टर सिर्फ एस्गार्ड को ही डिस्ट्रॉय करता है, और थॉर और लोकी दोनों ही रैग्नारोक के बाद बच जाते हैं दूसरे एस्गार्डियन के साथ। पर एक्चुअली में नॉर्स माइथोलॉजी के हिसाब से रैग्नारोक का मतलब है प्रलय या कयामत, जिसमें पूरा यूनिवर्स और उसमें जितने भी वर्ल्ड हैं सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है, और यहाँ तक कि रैग्नारोक के बाद थॉर और दूसरे एस्गार्डियन देवता सब के सब ही मर जाते हैं, और इसी जंग के दौरान लोकी और हैमडाल एक दूसरे को मार देते हैं, और सर्टर अपनी सॉर्ड से सारे 9 रियल्म्स जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किए थे सब के सब खत्म हो जाते हैं। तो आपके हिसाब से नॉर्स माइथोलॉजी में कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।